जी आपने मीरा का कुलिया का प्रस्ताव दिया था, ये तो नहीं है। भगवान जो होता है पहले देव का परिवर्तन, देव के संबंध का परिवर्तन, संबंध के आधार पर पासियों का परिवर्तन, ये तो होना जरूरी है। इसको तो पता जाता है सौर्य देह तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है, तो चैतन्य का परिवर्तन पहले होगा या जड़ का परिवर्तन होगा? क्यों चलता तो है ये तो ड्राइवर जड़ का परिवर्तन पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि ज्ञान को नहीं समझ सकती है। जो चैतन्य आत्माएं हैं वो ज्ञान को जल्दी समझेंगी। आत्मा पावन बनेगी तो आत्मा के कनेक्शन में रहने वाला पांच तत्वों का शरीर भी पावन बनेगा। यही नियम है। प्रकृति तो अंत तक तमो प्रधान बनी रहेगी। जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की ज्ञान की ज्योति एक बाप की ज्ञान की ज्योति से समान न हो जावे, 500 करोड़ आत्माओं का वाइब्रेशन प्रकृति को सुधारेगा। उसमें भी जिनकी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों पावन बनेंगे, उन आत्माओं का संगठन, उनका वाइब्रेशन प्रैक्टिकल में पांच तत्वों को सुधारेगा। जड़ पांच तत्व स्वयं नहीं सुधरेंगे, इसलिए बोला जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनाया है तब तक ये दुनिया पावन नहीं बनेगी। प्रकृति को भी पावन बनाना है तो कैसे पावन बनेगी? ज्ञान से पावन बनेगी या याद से पावन बनेगी? हैं? याद से पावन बनेगी। जो कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण, तो किसको दान देना है याद का? हैं? चंद्रमा को दान देना है या सूर्य और सूर्यवंशी बच्चों को दान देना है? हैं? चंद्रमा को दान देना है। ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, ये जड़ तुम्हारी बुद्धि है, बाप को नहीं पहचान पाती। नहीं पहचानती है तो अंत तक का पोजीशन करती है। माया से हाथ मिल जाता है अज्ञानता के कारण। माया और प्रकृति दोनों ही मिलकर के बच्चों पर वार करते हैं। और बच्चे भी नंबरवार धराशायी हो जाते हैं। इसलिए ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। क्या कि ज्ञान किसको देना है और याद का बल किसको देना है? कहते तो हैं भक्ति मार्ग में दे दान तो छूटे ग्रहण,
परंतु समझते हैं कि सूर्य को भी विकारों का ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी लगता है, परंतु सूरज तो आग का गोला है, वो तो विकारों को भस्म करने वाला है, ग्रहण कैसे लगेगा? और बाबा तो मन में उत्पन्न होता है तो क्यों ऐसा पूरा धर्म है? देह का धारणा का काम है, देह की धारणा पांच विकारों की देह में होती है? नहीं, पहले आत्मा पतित बनती है, फिर देह पतित बनती है। 21 जन्म तक देह पतित कहेंगे क्या? देवताओं की देह मूर्ति के रूप में पूजी जाती है, जिसकी पूजा होती है उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? तो देह पतित नहीं होती है, पहले आत्मा पतित होती है। आत्मा में ही पांच विकारों की खाद पड़ती है, ये विकृति द्वापर युग से तब आती है जब आत्मा की आठ कलाएं रह जाती हैं। पलड़ा कलाओं का हल्का होने लगता है, तब पांच विकारों का प्रकोप होता है। और हमको तो नदी में जो पानी था उस पानी का कलर है ब्लू, क्यों है उसका पानी का कलर है ब्लू? कौन सी नदी का पानी? दामोदर नदी का। हाँ, उसका कलर है पानी का कलर है हाँ। नाम क्या है? दाम उदर, उदर माने पेट, जिसके बुद्ध रूपी पेट में दाम भरे हुए हैं, दाम धन संपत्ति को कहा जाता है। किसकी बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान की धन संपत्ति भरी हुई है? है कौन है जिसकी बुद्धि रूपी पेट में भगवान का दिया हुआ धन भरा पड़ा है? कौन है? नारायण ही है, परमात्मा पाटधारी ही है, उसी के नाम पर आधारित है दामोदर। चाहे उसे नीले गले के रूप में दिखा दो, चाहे दामोदर नदी के रूप में दिखा दो, कलयुग के अंत में जो क्षीर सागर दिखाते हैं, नेपाल में उस क्षीर सागर का पानी गंदला दिखाई पड़ता है या शुद्ध दिखाई पड़ता है? कैसा हो जाता है? गंदला हो जाता है। और कम माने कार्य, कम कारडे दिल यारडे, हमारा यार कौन है?
खुदा दोस्त कौन है? जो हमारा खुदा दोस्त है उसमें बुद्धि लगानी है। कर्म इंद्रियां लगाने की बात नहीं है। कर्म इंद्रियों से जो काम करना है वो अपने लिए करना है और जगत के कल्याण के लिए करना है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगानी है? बाप में बुद्धि लगानी है। ये मन बुद्धि ही प्रधान इंद्रिय है। मुखिया को अगर बस में कर लिया तो सब बस में हो जाता है। इसलिए अरस परस है, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा मन होगा वहीं हम धन लगाएंगे, दूसरी जगह धन नहीं जाएगा, क्योंकि दिल हमारा इस पर फिदा है। तो धन भी कहां लुटाएंगे? इसी के ऊपर लुटाएंगे। तो अरस परस है, जहां धन जाता है वहां मन जाता है, जहां मन जाता है वहां धन भी जाता है। और महाभारत बोलता है कि मेल्स का नाम है, फीमेल्स का कोई नाम नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में विजयमाला वाली आत्माएं ज्ञान अज्ञान की लड़ाई में शामिल होती हैं या रुद्रमाला के मण के शामिल होते हैं? ये रुद्रमाला के मण के अम्मा के बच्चे हैं या बाप के बच्चे हैं? तो जो बाप के बच्चे हैं उनके लिए बाप का संदेश है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग का द्वार खोलता है। इस द्वार में वो ही बच्चे प्रवेश करेंगे जो सच्चाई के लिए युद्ध लड़ेंगे। सच्चाई की बात सामने आने पर जो दुबक के बैठ जाएंगे उनको राजधानी में ऊंच पद नहीं मिल सकता। सच्चखंड स्थापन करना है या झूठ खंड स्थापन करना है? तो जो सच्चखंड स्थापन करने वाले हैं वो मेल हैं या कन्याएं माताएं हैं? इसलिए महाभारत में मेल्स को लड़ते हुए दिखाया है। जो विजयमाला के मण के हैं वो तो आधीन बनने वाले हैं, रानियां बनते हैं, राजाएं नहीं बनते हैं। द्वापर और कलयुग में जो भी युद्ध हुए हैं उन्हें युद्धों में मेल्स को लड़ते हुए दिखाया है या फीमेल्स जाती है लड़ाई लड़ने के लिए? मेल्स जाते हैं। और बाबा का नाम मधुर नाम मुख में निकालता है। हाँ। ये रंग है या राइट है? कभी कभी ऐसा अलर्ट होता है मन में, वही पूछ रहा कि रंग है या राइट है। ये जो आवाज है ये पांच तत्वों से कनेक्टेड है या आत्मा और आत्मा के धाम से कनेक्टेड है? है पांच तत्वों से कनेक्टेड है। तो मुख से बोल बोल करने से कोई फायदा नहीं है। मुख से बोल बोल तो 63 जन्म भक्ति मार्ग में भी करते आए,
फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से पुरुषार्थ करने की बात है। मन बुद्धि लगनी चाहिए याद में। मन बुद्धि न लगी और इंद्रियां लग गई तो फायदा होने वाला नहीं है। परमात्मा की याद आत्मा से ही करनी चाहिए। इंद्रियों की बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस ऐसी करनी है जो बाप का डायरेक्शन है, कम कार्डे कर्म इंद्रियों से काम करना है। सन्यासियों में सल कर्मधारा को छोड़ करके नहीं भागना है। जो भी कर्म इंद्रियां हैं, चाहे श्रेष्ठ हैं चाहे भ्रष्ट हैं, सन्यासियों में सल कर्मधारा को नहीं छोड़ना है। कर्म तो करना है कर्म इंद्रियों से, परंतु क्या अंतर है? याद एक बाप की होनी चाहिए। तो कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, अगर मन बाप की याद में लगा होगा तो पाप पुण्य का असर नहीं होगा। और शांतिधाम में आत्मा एक स्टेट लाइन में रहता है क्या? शांतिधाम में आत्मा स्टेट लाइन में रहता है क्या? 200 कोने कोने लाइन में रहता है क्या? आगे कुछ भी रहता है आत्मा शांतिधाम में? समझा आत्माएं नंबरवार शक्तिशाली हैं या एक जैसी शक्तिशाली हैं? मनुष्य आत्माएं भी नंबरवार शक्तिशाली हैं, देव आत्माएं भी नंबरवार शक्तिशाली हैं, पशु और पक्षियों की आत्माएं भी नंबरवार शक्तिशाली हैं। फिर जो पेड़ पौधे हैं उनकी आत्माएं भी नंबरवार शक्तिशाली हैं। तो जो सबसे जास्ती शक्तिशाली होंगे वो ज्यादा ऊंची स्टेज में जाएंगे या कम पावर वाले ऊंची स्टेज में जाएंगे? तो ऐसे ही है, सबको घेर करके परमपिता परमात्मा रहता है, सबको आवृत करके, उसकी पकड़ से बाहर कोई नहीं जा सकता। प्रजापिता भी नहीं जा सकता, रामकृष्ण की आत्माएं भी उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। फिर उसके बाद नंबरवार मनुष्य आत्माएं हैं जो सारी सृष्टि को घेर के रहती है। इसलिए बोला न अहम तेषु ते मये, जो भी आत्माएं हैं मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, परंतु मेरी पकड़ के अंदर सब है, मेरे अंदर सब समाये हुए हैं। जैसे बीज के अंदर झाड़ समाया हुआ होता है, पत्तों में टहनियों में फल में फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, परंतु बीज में ये सब समाये हुए हैं।
और एक फार्नम जाएगा, फार्नम 20 इयर्स में एक फार्नम होता है पूरी बज में, तो वो एक फार्नम स्टेटमेंट मिलता है, एक स्क्वायर फार्नम किया है, एक क्यूबिक फार्नम, एक फलन पूछ रहा है, फलन 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 तो जाएगा, एक फार्नम जाएगा है ना, तो इधर भी एक फार्नम, उधर भी एक फार्नम, इधर भी एक फार्नम, चारों तरफ एक फलन होगा क्या, वही पूछ रहा है, सारा आत्मा जो रहते हैं एक फलन। आत्माएं अति सूक्ष्म है या कोई स्थान लेने वाली है, है अति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता के हिसाब से बताया कि एक फरलांग में समूची आत्माएं समाई हुई है, जहां आत्मिक स्थिति होती है वहां दिल में जगह ज्यादा हो जाती है, जहां देहभान में होते हैं वहां बहुत बड़ा महल मिल जाए तो भी समा के नहीं रख सकते, दिल बड़ा हो तो छोटा घर भी बड़ा घर हो जाता है, भगवान के बच्चे गरीब होते हैं, छोटे घर वाले होते हैं या बड़े घर वाले होते हैं, छोटे घर वाले होते हैं, परंतु भगवान के लिए उनका दिल बड़ा है, इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारा छोटा घर भी हमारे लिए बहुत बड़ा घर है। और जस्टिस रूप में है तो जस्टिस का निशान क्या दिखाई दे रहा है बाबा, मुरली में बोला ईश्वर और विशेष आत्मा जस्टिस रूप में है, विशेष आत्मा जो होते हैं जस्टिस रूप में है, तो कैसे समझ में आए जस्टिस रूप में, जस्टिस जो विशेष के रूप में विशेष आत्मा जो है, जो विशेष आत्माए हैं वो जज करती हैं, फैसला करके बता देती हैं कि भगवान आया हुआ है, जो जज करने की स्टेज में नहीं है वो भगवान को नहीं पहचान पाती, खुद विश्वास नहीं कर पाती तो दूसरों को भी नहीं बता पाती, बताती है तो निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं बताती, दृढ़ता से बोल के नहीं बता पाती, तो दूसरों को भी विश्वास नहीं होता है, जज के जजमेंट में ताकत होती है, जैसे दुनियावी जज होते हैं तो जो जजमेंट देते हैं उस जजमेंट को मानना पड़े, ऐसे ही ये भगवान के बच्चे हैं, जो माला के नंबरवार दाने बनते हैं वो नंबरवार जज हैं, जो भगवान को संसार में प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे नहीं है कि आज के दुनिया के बड़े बड़े आदमी जो समझे जाते हैं वो ज्ञान में आ जावेंगे तो भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, नहीं, भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला जो धर्मराज है, सुप्रीम जज है, वो सबसे जास्ति प्रत्यक्ष करने वाला है, एक सौ आठ आत्माओं को भी निश्चय पैदा करने वाला है, फिर नंबर बार है जज, तो यहां ही साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में बड़े से बड़े जज कौन हैं,
बड़े से बड़े जज सुप्रीम सोल बाप के बच्चे होंगे या दुनिया के बड़े बड़े लोग होंगे, बाप के बच्चे ही बड़े से बड़े जज हैं। आगे चल करके ये प्रत्यक्ष होने वाला है। और आठ जो निकले है ना, ब्रह्मकुमारी बताएंगे तो हम बताएंगे, तो वो न्यूज पेपर में डाल सकता है? डालो, कौन मना करता है, पैसे नहीं देना। हिंदी न्यूज पेपर, बांग्ला न्यूज पेपर डालो, डालो पैसा तो लगेगा। इसका मतलब है आप रिश्वत दे करके जो काम करेंगे उसमें सच्चाई है या झूठ है, इसका मतलब आप वो समझा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सर पर चढ़ के एक दिन बोलती है। अभी भी एडवांस के बच्चे सर पर चढ़ने लगे हैं, ये अनुभव होने लगा है लोगों को। आगे चल करके जोर से सारी दुनिया को अनुभव होगा। अभी भले एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाबा, अभी होली में बाबा ने कहा कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि बाबा को भी तो ये सोचना पड़ता है कि अब मेरे को बच्चे पति बन रहे हैं, पावन बना रहे हैं। आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं, हरेक आत्मा में संस्कार भरे हैं, कोई में 84 जन्म के संस्कार हैं, कोई में कम जन्म के संस्कार हैं। जिनमें 84 जन्म के संस्कार हैं वो नई सृष्टि के आदि में ही आ जाते हैं, जिनमें कम जन्मों के संस्कार हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं। शिव परमपिता परमात्मा में एक ही जन्म का संस्कार है। ज्ञान सुनाने का विशेष संस्कार है, वो त्रिकालदर्शी है या एक काल का ज्ञाता है? तो जो त्रिकालदर्शी है उसे सोचने विचारने की जरूरत है ना? जैसे हम आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम धाम से जब आई थी तो सोच विचार के आई थी, या आने का उस समय का संस्कार भरा हुआ था इसलिए आई थी? संस्कार भरा हुआ है। हरेक आत्मा इसे सृष्टि काल के चक्र में बंधी हुई है, इस चक्र से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु वो भी काल चक्र में बंधा हुआ है। जब टाइम होता है तो जैसे रहट होता है उसकी बाल्टियां नीचे से ऊपर अपने टाइम पर आती है, ऐसे ही हर आत्मा को रंगमंच पर हाजिर हो जाना है। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है, सोच विचार करके कोई भी आत्मा रंगमंच पर नहीं आती, उनका टाइम नुदा हुआ है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का भी टाइम नुदा हुआ है। 63 जन्म बुलाते रहे तब नहीं आया, जब आना था तब ही आया। और बाबा, बाबा, शायद के दो
सिटी टेबल में जो है ना सब तो सामान्य जो शूटिंग हो रहा है 65 से लेकर तो उम्र थे अपना शरीर छोड़ा तो उस टाइम में गांगुली का शूटिंग भी होने शुरू हो गया तो सब का सब सामान्य शूटिंग में गांगुली का शूटिंग क्यों हुआ हाँ बोलो बताओ ना हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। हैं मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा उसी टाइम में दापोजू का भी शूटिंग होने शुरू हो गया बापोजू की सामान्य सतपुत का भी शूटिंग था तो सबसे सामान्य शूटिंग में दापोजू का शूटिंग मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा है तब से ही बीज पड़ गया ब्राह्मणों की उतरती कला का क्योंकि ज्ञान की धारणा मम्मा में ज्यादा थी या ब्रह्मा में ज्यादा थी तो जो धारणा करने वाली है आत्मा वो ही चगली गई यज्ञ से इसलिए बीजारोपण तो तभी से हो गया क्योंकि मम्मा के जाने के बाद मम्मा की गद्दी को कोई मायावी ने संभाल लिया तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है परंतु उस समय ब्रह्मा बाबा भी जीवित थे इसलिए कोई को पता नहीं चला कि हम गिरती कला में जा रहे हैं परंतु 3 साल के बाद जब बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनकी समझ में आ गया कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो गया जो राज सत्ता है वो जोनल इंचार्ज के हाथों में सौंप दी गई ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से पहले विदेशों में बीजारोपण नहीं हो पाया था जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो विदेशों में पहला सेवा केंद्र लंदन स्थापन हो गया विदेशों में जनसंख्या की वृद्धि शुरू हो गई कौन से युग से विदेशी आते हैं द्वापर युग से विदेशी आते हैं तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विदेशों में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने लगी उससे पहले जो भी ब्राह्मण थे वो सब भारतवासी थे ऐसे ऐसे अनेक साक्ष्य अनेक घटनाएं हैं जो सीढ़ी के चित्र में दिखाई गई है जिनसे साबित होता है कि मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कैसे भक्ति मार्गीय रावण राज्य की शूटिंग शुरू हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में और बाबा में तो चांद होता नहीं है तो दापुर से चांद कहां से आता है चांद की पहले चांद चेता में चांद नहीं होता है रात नहीं होता है ना सत्युग त्रेता में चांद की उजाला नहीं होते सतयुग त्रेता में
जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के पेट में समा जाता है कि अलग होता है, तो चांद की रोशनी कहां से आवेगी? चंद्रमा तो राकापति कहा जाता है, राका माने रात, वो रात का स्वामी है। सतयुग त्रेता में तो दिन ही दिन होता है, रात होती ही नहीं, वहां तो ज्ञान सूर्य का बोलबाला है। सतयुग त्रेता में राम राज्य कहा जाता है, राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि सतयुग त्रेता में कृष्ण का राज्य था। किसका राज्य था? राम का राज्य है। राम माने सूर्यवंशी, सूर्य का उजेला ही उजेला वहां होता है, अज्ञान रूपी अंधकार वहां होता ही नहीं। अज्ञानता माने देह भान, देह का भान वहां कोई देवता में नहीं होता। अज्ञान अंधकार की बात ही नहीं, रोशनी ही रोशनी है, वहां थकान होती ही नहीं। थकान देह भान से होती है या आत्मा भिमान से होती है? देह भान से थकान होती है। वहां देह अभिमानी कोई होता ही नहीं। संगम युग में ही जो देह अभिमानी चंद्रमा है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही गीता ज्ञानदाता साकार में हूं, ये देवान ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का खत्म हो जाता है कि चालू रहता है? खत्म हो जाता है। तो देवान ही खलास हो गया, देवान खलास हो गया, जैसे रावण राज्य खलास हो गया। रावण जल जाता है, रावण के 10 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनका देहवान खत्म हो गया। रावण के 10 सिरों का बाप कौन है? देहवान। तो ये ब्रह्मा का देहवान ही खलास हो गया, रावण के 10 सिरों का बाप ही खलास हो गया, तो बच्चे कहां से रह जाएंगे? फिर द्वापर युग जब सा शुरू होता है तो देहवान की शुरुआत होती है। तो और जमीन खरीद लो। मकान बनाने की इच्छा है और जलजला आया और मकान टूट गया या विरोधियों ने ही तोड़वा दिया, तब क्या करेंगे? विरोधी अभी मकान तोड़वा रहे हैं या नहीं तोड़वा रहे हैं? तो काहे के लिए पैसा बर्बाद करना है? हाँ, जमीन खरीद लो, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। मैं पूछी थी कि दापर में चांद का सृष्टि कैसे होता है? दापर में चांद का सृष्टि कहाँ से होता है? दापर में चांद की सृष्टि कहाँ से होती है?
पृथ्वी घूमती है, सतयुग त्रेता में भी पृथ्वी घूमती है, परंतु सतयुग त्रेता में बैलेंस रहता है या बैलेंस बिगड़ जाता है? जब द्वापर शुरू होता है तो बैलेंस दो तराजुओं का अचानक बिगड़ जाता है। दो तराजू हैं पलड़े के, जब बैलेंस बिगड़ता है तो पलड़े जोर से नीचे ऊपर होते हैं कि एक साथ ऊपर हो जाता है? हैं? जोर से ऊपर नीचे होते हैं। तो द्वापर शुरू होते ही बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने से जो चंद्रमा का हिस्सा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर कहा जाता है, वो प्रशांत महासागर की धरती पृथ्वी से अलग हो जाती है। जब वो हिस्सा अलग होता है तो उस हिस्से का पानी चंद्रमा के साथ जाएगा या पृथ्वी में चिपक जाएगा? है? चंद्रमा के साथ जाएगा। हाँ, पानी तरल होता है तो तरल होने के कारण चंद्रमा का पृथ्वी का हिस्सा वो दूर होता है और पानी का हिस्सा प्रशांत महासागर में ही रह जाता है। इसलिए आज वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा में पानी नहीं है और पृथ्वी में तो तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा जमीन है। तो बैलेंस बिगड़ने से चंद्रमा का हिस्सा अलग हो जाता है, इसलिए पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। इसी से साबित होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है। जैसे माँ के पेट से, गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ का हिस्सा अलग हो जाता है, ऐसे ही चंद्रमा अलग हो गया और पृथ्वी माता अलग हो गई। वो अर्ध विनाश है। जब भगवान बाप आते हैं तो संपूर्ण विनाश भी होता है। पृथ्वी का पूरा ही बैलेंस बिगड़ जाता है। उस समय चंद्रमा फिर पृथ्वी के साथ ऐड हो जाता है। सूर्य का ही प्रकाश काम करता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। रोशनी ही रोशनी सारी पृथ्वी पर रहती है और पृथ्वी का हिस्सा भारत में ही होता है। सच्चे अर्थों में उस समय भारत कहा जाता है। जो ज्ञान के तंत में टिका हुआ होता है, ज्ञान का तंत है आत्मिक स्थिति। सभी देवताएं आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, कोई भी देवभान में नहीं होता, अर्थात अज्ञान का नाम निशान नहीं रहता। और
की बात में शिक्षक तो भोलेनाथ को पानी डाला जाता है, ऐसे तुलसी के ऊपर पानी नहीं डाला जाता है। तुलसी पार्ट किसका है? ये तुलसी का जो पार्ट है वो कौन सी आत्मा का पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है, जो जगत की अम्बा है उसको देख करके बच्चे ज्ञान में आए होंगे कि पहले ही आ गए। तो ज्ञान देने वाला प्रैक्टिकल में बाप हुआ या जगदम्बा हुई? जगदम्बा को बाप ने दिया और जगदम्बा से सब बच्चों ने जन्म लिया ज्ञान में। तो जगदम्बा ने जल चढ़ाया है बच्चों के ऊपर, ज्ञान जल चढ़ाया है प्रैक्टिकल में। तो भक्ति मार्ग में बच्चे तुलसी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही जैसे लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, सूर्य के ऊपर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, ये कहाँ का रिटर्न हो रहा है? हैं? जरूर संगम युग में वो लिंग रूप में पार्ट बजाने वाला जो पत्थर बुद्धि है जिसमें ज्योति बिंदु बाप प्रवेश करते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाने की शूटिंग ब्रह्मा कुमारी रूपी भक्तों ने की है। जब वो लिंग रूप चैतन्य में बेसिक ज्ञान में आता है तो ज्ञान जल किससे लेता है? है? छोटी माँ भक्तों की श्रेणी में है या रुद्रमाला के ज्ञानियों की श्रेणी में है? तो भक्तों ने शूटिंग की है, चैतन्य लिंग पर ज्ञान जल चढ़ाने की। तो भक्ति मार्ग में रिपीट होता है। ऐसे ही भक्त लोग सूर्य पर रोशन ज्ञान जल चढ़ा वो जल चढ़ाते हैं, वो स्थूल सूर्य है, स्थूल जल है, चढ़ाने वाले भक्त हैं। और यहाँ चैतन्य सूर्य है, चैतन्य सूर्य के ऊपर कोई ज्ञान जल चढ़ाने वाले भी हैं, जो यादगार चलती है कि शिव के ऊपर जब रोटी चढ़ाते हैं जल की तो उसमें दूध बहुत थोड़ा होता है और पानी ढेर का ढेर होता है। तो ऐसे ही बेसिक ज्ञान के भक्तों ने जब सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाले के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाया तो उसमें दूध बहुत थोड़ा था और पानी ढेर का ढेर था। तो भक्ति मार्ग में ये रिपीटेशन होता रहता है। और लक्ष्मी और गणेश का साथ में क्यों पूजा होता है? साथ में पूजा क्यों होता है? लक्ष्मी और गणेश, लक्ष्मी स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? है स्त्री चोला है। पुरुषों में ज्ञान गहराई से बैठता है या माताओं कन्याओं में ज्ञान गहराई से बैठता है? माताओं कन्याओं में बैठता है, पुरुषों में बैठता है। है? अगर माताओं कन्याओं में ही ज्ञान गहराई से बैठा होता तो जितने भी गीता पाठशालाएं चल रही हैं एडवांस में
उन्हें गीता पाठशालाओं में वर्चस्व भाइयों का चल रहा है या माताओं कन्याओं का चल रहा है? किसका अधिकार चल रहा है? अधिकार कोर्स बल करा रहे हैं, लेकिन जो वर्चस्व है, अधिकार है, वो किसका है? भाइयों का अधिकार चल रहा है या माताओं का अधिकार चल रहा है? अगर कहें कि माताओं का अधिकार चल रहा है, तो माताएं दुर्योधन दुशासनों के चक्कर में आएंगी या नहीं आएंगी? है? अगर कहें कि कन्याओं माताओं का अधिकार एडवांस की गीता पाठशालाओं में चल रहा है, तो सवाल होता है कि वो कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासनों के कंट्रोल में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? बताओ, है? चल रही हैं। वो दुर्योधन दुशासन तीरहरण कर रहे हैं उनकी इच्छा के विपरीत, तो क्या साबित होता है कि गीता पाठशालाओं में कन्याओं माताओं का वर्चस्व नहीं है? क्यों नहीं है? कन्याएं माताएं शिव की शक्तियां कहने योग्य हैं वर्तमान में, प्रैक्टिकल में शिव शक्तियां हैं या भक्तियां हैं? है? भक्तियां हैं जो रावण संप्रदाय के कंट्रोल में चल रही हैं, बाप के कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कलयुग के अंत में कन्याओं माताओं में देहभान ज्यादा आ जाता है। देहभान आने के कारण कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं अबलाएं हो जाती हैं। प्रबल कही जाने वाली शिव शक्तियां नहीं रह जाती हैं। अभी नई दुनिया स्थापन होगी तो जो अबलाएं हैं वो क्या बन जावेंगी? सबलाएं बन जावेंगी। तब के लिए मुरली में बोला है कि द्वापर कलयुग में राजाओं ने रानियों को छोड़ दिया था, रानियों की परवाह नहीं की। अब क्या होने वाला है? हैं? अब रानियां राजाओं को छोड़ देंगी, राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तब कहेंगे शिव शक्तियां। वही तो जवाब दिया। नहीं, गणेश जानवर है या देवता है? तो जानवर की पैदाइश देवभान से होती है या आत्माभिमान से होती है? तो पार्वती ने गणेश को जो पैदाइश की वो देह की मैल से की, देह के विकार से की या निर्विकारी की पैदाइश है? जो देह का मैल है, उबटन है, वो देवान का विकार है। उस विकार से गणेश की पैदाइश हुई।
इसलिए गणेश जानवर है, वास्तव में देवता नहीं है। और गणेश हनुमान की पूजा भी कलयुग से होती है, द्वापर में पूजा नहीं होती है। लेकिन बाबा गणेश को तो सर्वबुद्धि दाता बताया गया, सबसे फर्स्ट में गणेश की पूजा लोग करते हैं। हाँ, पैदाइश किससे हुई है? माता से हुई है या पिता से हुई है? माता से पैदाइश हुई है, तो माता बुद्धि में धारणा ज्यादा करती है या पिता धारणा ज्यादा करता है? है माता धारणा ज्यादा करती है, इसलिए धारणा ज्यादा होने के कारण गणेश को देवताओं में पहले पूजा जाता है। और लेकिन तो आपने तो बोला है माता गुरु बिना उधर नहीं होगा, तो ये गीता पाठ सभा चलाने वाले जो बच्चे से लेकर के बैठे हैं उनको तो माता को गुरु मानना ही पड़ेगा, उनको तो उनको आना ही पड़ेगा। तो मना कर रहे हैं हम? बाबा क्या मना कर रहे हैं? बाबा तो कहते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन ही तब होगा जब माताएं गुरु बनेंगी। अभी तो पुरुष घर घर में गुरु बन करके बैठे हैं। बाबा को माता को गुरु बनना पड़ा तो बच्चा कहाँ की छुट्टी लड़की का वारी चूंगा। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, गणेश जी कितने भारी है, लेकिन छोटी सी छोटे से चूहे पर सवारी सवारी उनकी छोटी है। ये एडवांस में जितने निकले हैं, ये एडवांस में निकलने वाले जो बेसिक परिवार हैं, उन परिवारों के उन घरों के अंदर ऐसा खोखला कर देते हैं जो सारे के सारे परिवार टूट पड़ते हैं। तो ये चूहे हैं क्या? इन चूहों के ऊपर कृष्ण वाली आत्मा एक दिन सवारी कर लेती है, अभी भी सवारी कर रही है। हाँ, ये बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए कृष्ण की आत्मा उर्फ गणेश की आत्मा जब इन चूहों के संसर्ग संपर्क में आती है तो वो भी बीज रूप बन जाती है और सहयोगी बन जाती है। सहयोगी बनने के कारण वो बेसिक के पूरे परिवार खोखले हो जाते हैं और एडवांस में आ जाते हैं। और योगी की माँ अभी है, योगी की माँ अभी है, लेकिन आज नहीं थी योगी की माँ थी। अरे बाबा ने तो बोला है अव्यक्त वाणी में, तुम अष्टदेवों ने आदि में भी क्या किया था? इन दीदी दादी दादाओं का श्रृंगार किया था, आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अंत में ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करेंगे, इन दीदी दादियों का श्रृंगार करेंगे। कौन करेंगे? तुम अष्टदेव ही करेंगे। तो अष्टदेवों में से दूसरे नंबर का देवता कौन है? हैं? हाँ जी, तो जरूर आदि में भी था तो अंत में भी होगा। और अभी तक पता नहीं तो का मतलब क्या है? नेताजी का नेताजी का लाश को गुम कर दिया। हाँ, अभी तक पता नहीं लगा कि कहाँ है। नेताजी गरम दल के थे,
या ठंडे दल के थे? ब्रह्मा बाबा ठंडे दिमाग के थे या गर्म दिमाग के थे? उनका भागीदार भी गर्म दिमाग का था या ठंडे दिमाग का था? जरूर गर्म दिमाग का था। सूर्यवंशी राम की आत्मा थी क्या? इसलिए वो जैसे गुम हो गया भक्ति मार्ग का सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही ज्ञान मार्ग की कोई सुभाष चंद्र बोस की आत्मा है, जिसके लिए मुरली में बताया कि उसकी लाश को भी गुम कर दिया, अभी तक भी पता नहीं चला। जब सुभाष चंद्र बोस का पता चलेगा तो उसका भी पता चल जाएगा। अभी मुरली के हिसाब से जो ज्ञान मार्ग का गांधी है उसका पता चल गया है। मुरली में बोला गांधी ने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी के घर में राजकोट की तरफ जन्म ले लिया। इससे साबित हो जाता है कि ज्ञान मार्ग का जो गांधी है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी, अर्थात ज्ञान रत्नों का कोई साहूकार कांग्रेसी है जिसके यहाँ राजकोट में, राज माने राजाओं का और कोट माने किला, राजाओं के किले में जाकर के जन्म लिया है। ये राजाओं का किला रुद्रमाला है या विजयमाला है? ये रुद्रमाला में कोई किला कहो, माला रूपी संगठन कहो, उस किले में कोई साहूकार कांग्रेसी है, ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार है, उसके शरीर रूपी घर में गांधी जी जन्म ले चुके हैं। तो बात समझ में आ जाती है। कांग्रेसी माने संगठन के ऊपर कंट्रोल करने वाला, राजाई करने वाला। कांग्रेसी राजाई भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे हैं? भोग रहे हैं।